गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री बीसीए फर्स्ट ईयर और बीएससी पार्ट वन में ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये होता क्या, कोई कहीं कहीं पढ़ने में डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोल देते हैं, लेकिन ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है जो एक मैथमेटिशियन थे अब्राहम डी मॉर्गन्स। उन्होंने क्या किया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके बताया। वो किसके थ्रू, तो वही वो अपना थ्योरम दिए अपने नाम से ही, अब्राहम डी मॉर्गन्स जो थे वो अपना नाम दिए उस थ्योरम को डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये एक मेनली वर्क करता है क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ रहता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे में अगर आपके पास अगर हम बात करें जैसे ये कि अगर x प्लस आई वाई है तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके थ्रू करेंगे, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम। जैसे में ये कोई 1 + i^50 है तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करेंगे वही है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो देखेंगे ये होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि होता अब क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है। तो आपको या ऐसा दिया हुआ रहेगा या ऐसे आपको देने को मिल जाएगा। आपको देख लो तो ये मिलेगा प्रूफ दैट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा to the power n equals to cos n theta plus i sin n theta। यह हमको प्रूव करना है, यही है डी मॉर्गन्स थ्योरम कि अगर कोई भी फॉर्म cos theta plus i sin theta, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का है cos theta plus i sin theta to the power n है, अगर तो ये क्या होता है cos n theta plus i sin n theta होता है। मतलब पावर में कोई भी हो, पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो फ्रैक्शन हो, वो सारा का सारा जो पावर अगर इस फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन आता है वो मेरा कहाँ पे चलाता है, कहाँ पे चलाता है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते हैं, सबसे पहले केस वन हम लेके चलेंगे। केस वन में केस वन लेके चलते हैं क्या कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर वी हैव फोर टू फैक्टर। हम दो फैक्टर इसको ये प्रूफ जो है मतलब हमको प्रूफ क्या करना है cos थीटा प्लस i sin थीटा टू टू दी पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, हमको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले n को क्या मान लिए कि ये पॉजिटिव नंबर है। क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना होगा। पहले हमको देखना होगा कि ये क्या वो थ्योरम वन के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टू के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। पहला सिंपल बात कि हम दो फैक्टर लेके चलते हैं, एक ले लिए cos थीटा वन प्लस I sin theta 1 ये लेके चलते हैं, एक cos theta 2 plus I sin theta 2
ये लेके चलते हैं। इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम करते हैं, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, ये लेके चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा क्या, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आई कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन कॉस थीटा टू आई 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 स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन साइन थीटा वन साइन थीटा टू लेते। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लेते हैं। रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे तो रियल पार्ट मेरा कौन कौन है, तो कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, और आई हम लोग ये एक रियल पार्ट इसका आ रहा है प्लस आई कन्वर्ट कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे cos a plus b बराबर cos a into cos b minus sin a into sin b, तो यहां से ये फॉर्मूला से आएगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस i sin थीटा वन प्लस थीटा टू। तो यहां से ये देखने को मिल रहा है क्या कि अगर हम दो फैक्टर लेके चलते हैं उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका एंगल जो होता है वो ऐड होते हुए जा रहा है, एंगल जो है वो क्या होते हुए जा रहा है ऐड होते हुए जा रहा है। ये किसके लिए है, दो फैक्टर के लिए। अब हम ट्राई करेंगे क्या थ्री फैक्टर के लिए क्या ये होगा, तो फोर थ्री फैक्टर क्या ले लिए, cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू cos थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री। अभी हम जस्ट बोले थे कि अभी दो फैक्टर लिए थे तो उसका क्या होता है एंगल जो होता है वो ऐड होते चला गया था, इसका दो का रिजल्ट मेरे पास क्या आया था cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये है आपका रिजल्ट। इसमें हम cos थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री, ये फिर से ये देखो दो फैक्टर आ गए, तो दो फैक्टर है तो इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं एंगल को हम लोग ऐड करते ऐड हो गया था, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ये पढ़ गए। तो थ्री फैक्टर ले रहे तो तीनों एंगल क्या हो रहा है ऐड होते हुए चल रहा है, तो हम अब क्या करेंगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू दिस प्रोसेस। प्रोसेस फोर एन फैक्टर, जब हम कंटिन्यू दिस प्रोसेस करेंगे एन फैक्टर लेके चलेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन cos थीटा टू प्लस i sin थीटा टू डॉट 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 cos थीटा n प्लस i sin थीटा n, ये आएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस i sin थीटा वन प्लस
थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट 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 थीटा एन मेरे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले थीटा वन थीटा वन टू थीटा थ्री को सभी को क्या कर लेंगे, हम इक्वल कर लेंगे। तो हम ऐसे में क्या किए, पुट थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू थीटा थ्री इक्वल्स टू डॉट 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 थीटा एन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब ये सारा सारा थीटा को इक्वल करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला देखो सारा का थीटा सब थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में n। क्यों, क्योंकि ये n टाइम्स है, 1 2 डॉट 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 n टाइम्स है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये n टाइम्स है तो पावर में कितना आ गया n, तो आ गया cos थीटा। अब यहां पे देखिए ये थीटा जो है वो n बार है, जैसे कोई कोई नंबर हम दो बार लिखे 5 प्लस 5 तो इसको 2 * 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 तीन बार 5 लिखे ऐड के तो 3 * 5 लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से ये थीटा सब इक्वल है वो n टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n थीटा, क्या लिख सकते हैं n थीटा प्लस i sin n थीटा। हमको यही ना प्रूव करना था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिवाइडर्स थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे केस 2, केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में क्या होता है कि हम मान लेंगे कि f n जो है वो क्या है इज नेगेटिव, तो हम मान लेते हैं कि लेट n बराबर माइनस m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ये अभी जस्ट हमें केस अभी प्रूव किए हैं क्या कि cos थीटा जब भी अगर पावर में अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसका केस दिया है तो वो क्या होता है एंगल में आ जाता है। तो हम यहां पे ले लिए cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर में कितना ले लिए n, और ये n नेगेटिव नंबर है, n क्या है नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा जस्ट n बराबर क्या माने हैं माइनस m, इसको माइनस m लिख दिए। जब माइनस m लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा अब पावर में कितना m, पावर में कितना लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। जब हम m लिख सकते हैं तो ये अभी जस्ट प्रूफ किया है कि अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में अगर पॉजिटिव इंटीजर है, m पॉजिटिव इंटीजर है तो वो एंगल में मल्टीप्लाई कर देता है। तो यही चीज ये किया 1 अपॉन क्या गया cos m थीटा प्लस i sin m थीटा, हम इसको रेशनलाइज कर दिए क्या cos m थीटा माइनस i sin m थीटा अपॉन में cos m थीटा माइनस i sin m थीटा। रिजल्ट क्या आएगा cos m थीटा माइनस i sin m थीटा अपॉन में a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा i स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर m थीटा। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया cos m थीटा माइनस i sin m थीटा, ये रिजल्ट मेरे पास निकल के आ गया। इसका रिजल्ट आ गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे m जो है वो नेगेटिव है। तो इस वाले टर्म को हम एक टर्म और लिख सकते हैं, इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं cos माइनस m थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है प्लस i sin माइनस m थीटा, sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा होता है। यहां से माइनस m बराबर क्या पूछ गए थे n ना, ये हो गया cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। ये देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर में अगर n है
तो वो एंगल में भी मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे ये एन जो है वो निगेटिव नंबर है, क्या है, निगेटिव नंबर है। तो ये दोनों के लिए प्रूफ हो गया। अब मेरे पास आता है केस थ्री। केस थ्री में क्या आता है, केस थ्री में आता है कि एन जो होता है इज क्या है, फ्रैक्शन है, मतलब कि ले एन बराबर पी बाय क्यू। तो जब आरबीएफ पी आर क्यू, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, हम ये लेके चलते हैं। अब इसको हम प्रूव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक ये बात लेते हैं, कॉस पी बाय क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बाय क्यू थीटा। अगर हम इसके पावर में अगर क्यू डालेंगे तो ये क्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्यू एक पॉजिटिव नंबर है। अभी जस्ट हम फर्स्ट केस में पी एक पॉजिटिव नंबर होगा तो वो एंगल में मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा। अब एक बात अभी जस्ट हम तुमको बोले हैं कि जो भी अगर एंगल में पी भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये एंगल में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एंगल में, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर में अगर पी है तो ये इसके इक्वल है, इसको लिख सकते हैं कॉस पी बाय क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बाय क्यू थीटा, पावर में कितना होगा, क्यू होगा। अब हम दोनों तरफ जो होगा वो क्यू रूट हम लगा देते हैं, टेकिंग क्यू रूट, टेकिंग क्यू रूट, क्यू रूट लगाएंगे तो पावर में वन बाई क्यू से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में क्यू से डिवाइड करते हैं, क्यू कॉस पी बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बाई क्यू थीटा, अब पावर में क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू बाई क्यू कितना आएगा, वन। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में पी बाई अगर क्यू रहेगा तो वो हो जाता है क्या, कॉस पी बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बाई क्यू थीटा, ये फ्रैक्शन के लिए है। मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन था वो तीनों केस के लिए हम अब प्रूफ कर लिए। शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि हम अब किए क्या है, हमको प्रूफ करना है क्या, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में एन है, उसको प्रूफ करना है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और ये एन कुछ भी, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और फ्रैक्शन भी। तो हम क्या, ये एन एक पॉजिटिव इंटीजर लिए, पहले टू फैक्टर के लिए लेते, सिंपल दो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन किए, तो cos थीटा 1 plus i sin थीटा 1, cos थीटा 2 plus i sin थीटा 2, इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास जो रिजल्ट आने लगा वो रिजल्ट आ गया क्या, कि जो थीटा 1 थीटा 2 है ना वो एंगल में मल्ट ऐड होते चला जा रहा है। सेम उसी तरह से हम लोग देखिए थ्री फैक्टर के लिए, थ्री फैक्टर के लिए मेरा क्या हुआ कि तीनों का तीनों एंगल जो था वो ऐड होते चला गया। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू किए और एन फैक्टर के लिए ले लिए तो वो सारा का सारा क्या हो गया, थीटा वन से लेके थीटा एन तक ऐड हो गया। अब हम इसके बाद हम क्या मान लिए कि ये जो नंबर है वो जो नंबर है हम उस नंबर को क्या किए, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री को सबको हम इक्वल मान लिए। जब हम इक्वल मान लिए तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर के लिए मेरा प्रूफ हो गया था। केस टू में हम निगेटिव इंटीजर ले लिए थे, निगेटिव इंटीजर में मान लिए थे कि माइनस एम है, एम पॉजिटिव नंबर है, उसको वन अपॉन एन कर दिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का एन, एम पॉजिटिव है तो वो एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम क्या किए, रैशनलाइज कर दिए।
रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास रिजल्ट जो आ गया वो आ गया cos माइनस sin थीटा प्लस i sin माइनस sin थीटा माइनस m बराबर n पुट कर दीजिए, इसके लिए भी हो गया। तीसरा केस मेरे पास जो आया वो आया क्या फ्रैक्शन के लिए, हम ये लेके चले ये केस p / q थीटा प्लस i sin p / q थीटा पावर में q ले लिए, q मल्टीप्लाई करेगा तो cos p थीटा प्लस i sin p हो, तो p को बाहर निकाल लिए मेरा प्रूफ हो गया। इस तरह से हम करेंगे। अब हम लोग डिवाइवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन पे बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिवाइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। थैंक यू।